हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने वाले हैं आटे के नमक पारे। तो सबसे पहले हमने 2 कटोरी आटा लिया है, जो नॉर्मल आटा होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है और कलौंजी डाली है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसमें थोड़ा सा हम 2 चम्मच हमने सूजी डाली है और 4 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसको अच्छे से मलेंगे। हाथों से मल मल के हमें इसको मिक्स करना है। घी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने हैं नमक पारे। अच्छे से मलते रहेंगे इसको, सभी में मिक्स हो जाएगी पूरे आटे में। ये इस तरीके से आटा बंधने लगे तो समझिए आपका आटा तैयार है। और इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है, एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि डो हमें एकदम टाइट ही लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है इसका डो। अच्छे से मल मल के हमें आटा गूंदना है, एकदम टाइट आटा गूंदेंगे। देखिए आटा गूंद गया है, हमने उसे 15 मिनट के लिए रखा था। वो थोड़े जो हमने सूजी डाली है वो थोड़ी फूल जाएगी तो आटा और टाइट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने उसको और मल मल के उसको सॉफ्ट किया है। अब इसमें हम जो भी शेप देनी है हम वो देंगे। तो मैं एक बड़ी सी रोटी बना रही हूँ। इसको अच्छे से बेलेंगे, ना बहुत पतला बेलना है ना बहुत मोटा बेलना है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का ही बेलना है हमें। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसको गोल शेप में कट करके एक डिज़ाइन दूंगी जो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और आप भी ऐसा कोई डिज़ाइन दे सकते हैं जो बच्चे को अट्रैक्ट करे। अब थोड़ा सा मैंने हल्का सा घी लगाया है इसमें और इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये डिज़ाइन बनाया है मैंने। सभी हमें इसी तरीके से तैयार करने हैं। डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। बस सभी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब हमने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हमारा जो तेल था पहले गरम हो गया है और इसको बहुत लो फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे नमक पारे और अंदर से पकेंगे नहीं और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। ये हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। और देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं। बहुत क्रिस्पी आवाज़ आ रही है और सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा मन कर रहा है कि अभी खिलाएं आपको और ख़ुद भी खाएं। खा के देखिएगा, बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। हाँ बहुत टेस्टी लगते हैं, बना के देखिएगा। थैंक